Adab. 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 जी, मैं अपनी एक सरकारी नज़म के चंद टुकड़े पेश करना चाहूँगा। सरगम साहब, इजाजत है? जरूर जरूर, आपको भला कौन रोक सकता है? आपको कोई पानी बंद करने से ना रोक सका, कश्मीर पे नाजायज कब्जे पे से ना रोक सका, तो नज़म से कौन रोक सकता भला? ऐसे जरा कुछ याद आ गया। असल नज़म से पहले मुंह का जायका बदलने के लिए चंद अशार पेश करता हूँ। मंजन किया करो, मंजन। हाँ, नमक चख लो, नमक। एक मिनट, एक मिनट, आप ना बोले, आप ना बोले, उनको बोलने दे। देखिए, जितने मुंह हैं उतनी कहानियां हैं, जितने मुंह हैं उतनी कहानियां हैं, अब तो शुएब की बेगम भी सानिया है। क्या बात है, क्या बात है, का इस्तेमाल, वाह वाह वाह। यार कोई नया बात कर दो भाई, अब तो अल्लाह मियां खुशी दिखाने वाला है। वाह वाह वाह, क्या है? दो दिल तो मिल गए मगर ना देश मिल सके। वाह वाह, दो दिल तो मिल गए मगर ना देश मिल सके, इसको दानश कहें या ये नादानियां हैं। शातर जी, मेरे हिसाब से तो ये आपकी शिकस्त की निशानियां हैं। चलो फिर सानू की। और अब मैं नज़म के चंद मनमोहन शेर पेश करता हूँ। इसे आइंदा होने वाले मुज़ाकरात का पेश लफ्ज़ समझिए। क्या बात है, इरशाद, इरशाद, इरशाद। मिल बैठ भी जाएंगे, बातें भी करेंगे हम। मिल बैठ भी जाएंगे, बातें भी करेंगे हम। सुभान अल्लाह, मिल बैठ भी जाएंगे, बातें भी करेंगे हम, दोनों का गले मिलना भी हम तुमको गवारा है। क्या बात है, क्या बात है, दोनों का गले मिलना भी हम तुमको गवारा है। और आगे सुनिए जरा कि क्या क्या मिसरा आया है कि कश्मीर के मसले पे मौकफ ये हमारा है। कश्मीर के मसले पे मौकफ ये हमारा है। सरगम साहब जी, जी, कश्मीर के मसले पे मौकफ ये हमारा है, आधा ये तुम्हारा है और पूरा ये हमारा है। ये शात्री वाला कट मार है ना तुमने फिर। सरगम साहब, आप नोट पर माले, इनके कलाम में ना बेरच है ना वजन में। यार इसको छोड़ो वोटर मियां, ये बहर को छोड़ो भाई, शेर की बांट तो देखो मैंने क्या उम्दा किस्म की है। आदाब, आदाब। बांट नहीं इसको, बंदर बांट बोलता है भाई। चलो बात चुप भी कर जाओ। सरगम जी, अब आप ही शातर भारती को समझाए। इन्हें तो यूएनओ भी नहीं समझा सका, मैं क्या समझाऊंगा इसको। शातर भारती के इस दिल शिकन कलाम के बाद अब बारी है बोंगा बखील की, जो अपना कलाम अर्ज करेंगे। हम तो एक अरसे से अर्ज कर रहे हैं मगर हमारे कोई सुनता ही नहीं। ओ बोंगे, तुम्हारा काम अर्ज करना है, सिर्फ अर्ज करना। जिन्होंने सुनना है उनकी मर्जी है, वो सुने या ना सुने, बस। तो सर जी, अर्ज किया है। चलो कर लो हुक्म। मेरे प्यारे अल्लाह मियां, ये कैसा इंसाफ है। वाह वाह, मेरे प्यारे अल्लाह मियां, ये कैसा इंसाफ है, मेरे घर में लोड शेडिंग और उसको बिल भी माफ है। आधा पैसा, आधा पैसा, आधा पैसा। आगे भी, आगे भी अर्ज किया है। मेरे नन्हे बच्चे तो पसीने में नहाते हैं, मेरे नन्हे बच्चे तो पसीने में नहाते हैं, उसके बच्चे गर्मी में इंग्लैंड चले जाते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, मेरा ख्याल है, महफिल लूट ली है। शुक्रिया, शुक्रिया, क्या लूटी है महफिल, लुटेरे निकले हो, क्या बात है। बड़े आदमी हो, बड़ी बात की है। बस इंग्लैंड चले जाते हैं। शुक्रिया, एक बात है सरगम भाई। जी जी, देखिए बोंगे मियां ने क्या खूब जनरेशन गैप का जिक्र किया है अपने शेरों में। साहब, इसे जनरेशन गैप नहीं, जनरेटर गैप कहते हैं, जनरेटर गैप। और अब आखिर में उनकी बारी है जिनके कलाम से झूठों पे खौफ तारी है। अपने दो धारी कलाम पेश करेंगे, आधे गर्जुम आधे बरसुम।
आधे बरहम आधे मरहम, आधे टूटम आधे सालम, आधे गंजुम आधे बालम, अरे बाबा उस्ताद मोहतरम जनाबे सरगम। अरे सरगम साहब, सरगम साहब, आपने इतने अलकाब लेने के लिए कितने पैसे दिए होंगे? क्या बेहुदा किस्म का मजाक किया तुमने। तो अर्ज किया जनाब, फैज साहब की जमीन पे चंद अशार पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? जी जी जी। आप बेफिक्र होकर जो करना है वो कर दें। हमारे यहाँ किसी की जमीन पे कब्जा करना कोई नई बात नहीं होती है। क्या बात है, बिल्कुल ठीक सच बोला है तुमने। शुक्रिया। अर्ज किया कि वो सर पे बोझ ही कर्जों का यूं बिठा के चले। वाह वाह, वो सर पे बोझ ही कर्जों का यूं बिठा के चले, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। कि नजर तो आता है उनका करोड़ों का बंगला। वाह वाह वाह, नजर तो आता है उनका करोड़ों का बंगला, कहाँ से आई है दौलत ये कुछ बताना चाहिए। सच्ची बात है, अंदर की बात कर रहे हैं। वाह वाह। और आगे लिखा है मैंने, पेट्रोल बिजली तो क्या ईंटें भी हो गई महंगी। ईंटें भी हो गई महंगी, पूरी कौम का पट्टा है यूं बिठा के चलते। शेर है, छात्र साहब आपके लिए। पूरी कौम का पट्टा यूं बिठा के, पट्टा नहीं पट्टा, पट्टा। हाँ तो आखिरी शेर है, काबिले गौर है। जी जी। तमाम उम्र जो ना निकला एहतसाब से भी। वाह वाह वाह। तमाम उम्र जो निकला ना एहतसाब से भी, वो केस अपनी करप्शन का यूं दबा के। क्या बात है सरगम साहब आपकी। तमाम उम्र जो निकला ना एहतसाब से भी, वो केस अपनी करप्शन का यूं दबा के चले। इस फिक्र अंगेज कलाम के बाद किसी और कलाम की जरूरत नहीं पड़ती। आपसे अगले मुशायरे तक इजाजत चाहते हैं। आपका, हमारा और हमारी सियासत का अल्लाह ही हाफिज। I don't know.